नमस्कार। मन के भाव सेगमेंट में एक नया पड़ाव लेकर आए हैं। राज अग्रवाल की एक पोस्ट पढ़ रहा था फेसबुक पर, आज उसको मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ये हमारी जो पुरुषवादी सोच है उस पर एक कटाक्ष है और महिलाओं की वो होने वाली एक समस्या जिसको महावारी कहते हैं, हम पीरियड्स कहते हैं, रजस्वला कहते हैं, उस पर ये एक कविता है। तो पढ़ते हैं। पीरियड्स, महावारी, रजस्वला, आखिर क्या है ये भला? तुम जो अपनी मर्दानगी पर इतना इतराते हो, दरअसल बाप तुम इसी क्रिया से बन पाते हो। तुम जो अपनी मर्दानगी पर इतना इतराते हो, दरअसल बाप तुम इसी क्रिया से बन पाते हो। कुछ मर्दों को नहीं है फिर भी तमीज, कुछ मर्दों को नहीं है फिर भी तमीज, उनके लिए है ये बस उपहास की चीज। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, चांद को छूकर उसका नूर पी रहे हैं। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, चांद को छूकर उसका नूर पी रहे हैं, पर विस्पर आज भी काली पैकेट में दिया जाता है। पर विस्पर आज भी काले पैकेट में दिया जाता है, जैसे हमें कोई छूत की बीमारी हो, ऐसे सबसे अलग कर दिया जाता है। जैसे हमें कोई छूत की बीमारी हो, ऐसे सबसे अलग कर दिया जाता है। चुपचाप दर्द पीना भी सिखा देते हैं, चुपचाप दर्द पीना भी सिखा देते हैं, किसी को पता न चले घर में ये भी समझा देते हैं। भाई पूछता है आज पूजा क्यों नहीं की, तो सर झुकाकर उसको समझाना पड़ता है। पर पापा को देखकर मुस्कुराना पड़ता है। पेट के निचले हिस्से को जैसे कोई निचोड़ देता है, कमर और जांग की हड्डियां जैसे कोई तोड़ देता है। खून की रिश्ती बूंद के साथ तड़पती हूं मैं, और जिसे तुमने नाम दे दिया है क्रैम्प्स का, उसमें सोफे पर निढाल होकर सिसकती हूं मैं। अब तुम पुरुष कहोगे कि इसमें हमारी क्या गलती, हमारा क्या दोष है। अब तुम पुरुष कहोगे कि इसमें हमारी क्या गलती, हमारा क्या दोष है। तो सुनो, तुमसे हमारी ना कोई शिकायत ना कोई रोष है, बस जब तड़पे दर्द से तो मैं हूं ना ये एहसास करवा देना, गर्म पानी की बोतल लाकर तुम दर्द मिटा देना, जो लगे चाय की तलब तो एक कप चाय बना देना, जो लगे चाय की तलब तो एक कप चाय बना देना, पैड खत्म हो जाए तो बिना झुंझलाए ला देना। तो मैं क्या करूं कहकर मुंह मोड़ कर मत जाना, तो मैं क्या करूं कहकर मुंह मोड़ कर जाना मत, रेड अलर्ट लाल बत्ती जैसे शब्दों से चिढ़ाना मत। बालों में तेल लगाकर पीठ को सहलाकर बस जरा सा प्यार जता देना। हम जो धर्म निभाते हैं महीने के सत्ताईस दिन, तुम सिर्फ तीन दिन ही निभा देना। नमस्कार।